मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रफीक अंसारी ने मेरठ शहर विधानसभा क्षेत्र से आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। उन्होंने सरधना विधायक संगीत सोम के बयान पर कहा कि यदि उन्हें कोई आतंकवादी नजर आता है तो सरकार उनकी है, वह उन लोगों को जेल में क्यों नहीं डाल देती। जहां तक बात यह है कि उन्होंने 5 साल केवल कबूतरों को दाना ही दिया है तो यह तो शबाब का काम है। वह सभी वर्गों को साथ लेकर के चल रहे हैं और 50,000 वोटों से उनकी एक तरफा जीत दर्ज होगी। आइए देखते हैं क्या कहा है रफीक अंसारी ने मीडिया से। देखिए, हमारे चुनाव जो है, सही मानों में हमारा चुनाव किसी से नहीं है, जनता चुनाव हमारी लड़ रही है। और जब जनता चुनाव लड़ रही है तो समझ लिए फिर कोई मतलब नहीं है, पूरी जनता एक तरफ है, प्रत्याशी एक तरफ रह जाएंगे सबके। कुछ पार्षद आरोप लगा रहे हैं कब्रिस्तान की मिट्टी को लेकर, काफी ट्रोल कर रहे हैं कि आपने नहीं डलवाई है, वो नगर निगम ने डलवाई है। तो हम कब कह रहे हैं भाई नगर निगम डलवाई, तो हमने कह नगर निगम डलवाई, फिर क्या बात होगी इसमें, नगर निगम के अधिकार नहीं है उसका, प्रयास तो हमने करा। 25 लाख आपने कोटे से आपने दिए थे, वापस कर दिया हमारे सर, इन्होंने नहीं डलवाई, उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया ना, उसमें कहां वो कौन सी बात हो गई, वो तो लिखा थोड़ा था। इस बात पे भी नाराज है कि 5 साल तक विधायक जी बस कबूतर उड़ाते रहे हैं, फील्ड में नहीं आए हैं। नहीं ऐसा, ये हमारे विरोधी आरोप लगाते हैं, और हमारे यहाँ तो कबूतरों को दाना चुगाना बहुत सवाब का काम है, मदीने तक पैसे देते हैं कबूतरों को दाना डालने के लिए, ये तो अच्छा है। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? हम तो 5 साल लोग लड़ते हैं, 5 साल में चुनाव, हम दिन निकलते हैं चुनाव में कूद जाते हैं, लड़ते लड़ते रोज सो जाते हैं हम तो। भाजपा के कुछ विधायक ये आरोप लगा रहे हैं गठबंधन पर कि वो आतंकवादियों के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आतंकवादी नजर आ रहा हूँ आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन आतंकवादी है। आतंकवादी भाई, एक बात सुनो, देखिए मेरी बात सुनिए, संगीत सोम भी ये कह, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, आतंकवादी तो सरकार उनके जेल में डालनी चाहिए, आतंकवादी बाहर कहाँ घूम रहे हैं। जो आरोप लगा, राजनीति का स्तर गिर चुका है बिल्कुल। अरे भाई उन्हें ये नहीं पता क्या कहना क्या नहीं करना, सरकार उनकी है, आतंकवादी अगर बाहर घूम रहे तो घूम क्यों रहे हैं, ये जो जेल में होने चाहिए। प्राथमिकता क्या रहेगी? सेवा करनी, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, अस्पताल बनाना, मौतें मौतें हो गई, हाथों में मौत, अस्पताल में मौत, बेड नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, कोशिश करेंगे अस्पताल यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरठ के अंदर लेकर आएँ। कितनी वोटों से जीतने की उम्मीद है आपको इस बार? कम से कम 50,000 से ऊपर इंशाल्लाह जीतेंगे, यकीन रखिए आप इंशाल्लाह। सर पिछले 5 साल के अंदर कितने अस्पताल बनाए? हमने एक हॉस्पिटल पास कराया था, 50 बेड का, 3.5 साल 3.5 करोड़ रुपए यहीं पड़े रहे, इन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।